गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ना इतनी ज़्यादा ठंड है ना, एकदम ठंड 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 बहुत ज़्यादा ठंड है। और सुबह सुबह किचन का हाल आप देख सकते हो, दूध आ गए हैं, बिस्किट आ गए हैं, चीनी आ गई है। यहाँ पे आलू जो हैं दो बर्तन में रखे हैं, क्योंकि हलवा भी बनेगा आलू का और साथ में आलू की जो मसाला बनाती हूँ ना मैं, डोसे वाला मसाला, तो बेसिकली जो डोसे का बोल है आपको पता ही है, मैंने खूब सारा बनाया था। तो आज प्रॉपर डोसा बनाएंगे आलू का मसाला विथ चना दाल चटनी, और चना दाल प्याज टमाटर चटनी, यस, तो वो बनेगी और उसके साथ हम लोग डोसा खाएंगे। तो आज का प्लान तो यही है। तो फटाफट से यहाँ पे ना मैंने पानी में भिगो दिए थे आलू, गर्म पानी में भिगोए थे, क्योंकि ठंडा तो बहुत ठंडा है भाई, बहुत ही ज़्यादा टंकी में पानी इतना ठंडा हो रखा है ना, पूछो मत। तो अभी फटाफट से इनको वॉश करके और दो कुकर में चढ़ाने पड़ेंगे आई थिंक, तो ये चढ़ा देते हैं। बच्चे जो हैं अभी रूम में ही ऊपर हैं, और ऊपर के ऊपर ही उनको नहला देंगे, आज नहलाया जाएगा, कल नहीं नहाए थे तो आज नहला देते हैं उनको, ताकि सारे कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दें तो टाइम से सूख जाएं वो भी। धूप का तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, बट काम जो हैं वो तो करने पड़ेंगे ही, तो इसलिए नहला देंगे बच्चों को भी। तो बस अभी मैं फटाफट से चढ़ा दूँ, उसके बाद देखते हैं और क्या करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है देखिए आलू का हलवा, मम्मी बना रही है आलू का हलवा, और ये बन रही है यहाँ पे चना दाल की चटनी, तो उसका काम चल रहा है यहाँ पे, और आलू का मसाला जो है वो रेडी हो गया है, तो अभी ये सब बनेगा आज। तो गाइस आज देखेंगे कि कैसे परफेक्ट एक डोसा तवे पे फैलाते हैं। आप इस पे ना जाओ, ये पूरा एक्चुअली तीन दिन से काम में ले रहे हैं हम ये घोल, तो ये पूरा ना ऐसे गंदा सा हो गया, बट आप परफेक्ट डोसा कैसे फैलाते हैं वो देखिए। तो ये तवा है, एकदम लो फ्लेम रखनी है आपको, इसके सेंटर में हमको ये डालना है बैटर, और फिर इसको पूरा इस तरीके से घुमाते हुए जितना हो सके उतना पतला इसको फैला देंगे, कुछ इस तरीके से। ओके, सेंटर में भी पूरा इसको एक जैसा रखेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये लीजिए आपका डोसा जो है वो एकदम राउंड राउंड फैल गया है। फिर इस पे लगाएंगे घी और पूरा फैला देंगे। घी डोसा बना रही हूँ मैं, तेल का बनाओ तो तेल का बना लो, ये घी डोसा है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको दोनों तरफ से अलट पलट करके सेक लेंगे। मैं बना दिया यहाँ पे दही फ्राई, ये रही, और अब ये लगा रही है आटा, जो कि मक्का और नॉर्मल आटा का मिक्स बनाने वाली है। शिल्पा और यशु खा रहा है यहाँ पे आलू का हलवा। ऐसी क्या शक्ल बना के खा रहा है, कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? और अर्णव जो है वो कर रहा है अपना हॉलीडे होमवर्क। बस तो और ये चलिए शिल्पा ससुराल, बाय। तो शिल्पा और विहान जा रहे हैं आज, और इनकी मस्ती नहीं खत्म हो रही यहाँ पे, बाय शिल्पा, बाय विहान, बाय। मतलब ही कौन है, मतलब ही नहीं है इसको, बाय, आता हूँ, बाय। तो गाइज आ गए हैं हम अपने बिस्तर पे, और सब देखो कैसे पड़े हैं, और इसका होमवर्क जो है वो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि पूरी बुक, इसके बाद एक और बुक, उसके बाद एक और बुक, क्योंकि तूने किया नहीं, सब बच्चों ने कर लिया, आया बड़ा नहीं करेगा तो रहेगी, और यही लड़ाई हो रही है हमारी। तो मैं अपना दूध लेके आ गई हूँ हल्दी वाला, और यहाँ पे लैपटॉप खोल लिया है, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, थोड़ी वीडियोज ट्रांसफर करने हैं, और आज वो लोग भी गए, इसका मतलब हम चॉकलेट खा सकते हैं। लेके आओ अपनी, हम चॉकलेट खा सकते हैं, मम्मी के पास है ना फ्रूट एंड नट्स, वो मेरी है, सेंटा ने मुझे दी थी, आया बड़ा मुझे बूढ़े सेंटा ने मुझे बूढ़ी कोई दी है, आया आई बड़ी बूढ़ों को, बूढ़ी हो गई मैं ना, नहीं आपने होगी बूढ़ी। तो बस अब थोड़ा सा काम करेंगे और फिर सो जाएंगे, आज ज्यादा तो कुछ शूट किया नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे ही फालतू सा ही कर रहे थे हम लोग, तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था वीडियो बनाने के लिए, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत जो भी शूट किया आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया हो, थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ आपको अपने लाइक शेयर कमेंट से।
यस लाइक शेयर एंड कमेंट एंड हाँ सबसे ज्यादा है ना लाइक्स और वो करना सब्सक्राइब क्योंकि कमेंट्स कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। कुछ एक भी कमेंट।